नगर निगम के 12 कार्यकारिणी सदस्यों का चुनाव साकुशल हुआ संपन्न। 9 भाजपा व 3 सपा के बने कार्यकारिणी सदस्य। महापौर ने सभी कार्यकारिणी सदस्यों को निर्विरोध जीत की दी बधाई। जनपद में चल रहे सड़क के कार्यों के मंडलायुक्त अनिल ढिंगरा ने संबंधित अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। सभी सड़क के कार्यों को समय अवधि में पूरा करने के दिए निर्देश। जिला महिला अस्पताल में होता है एक दिन में 90 अल्ट्रासाउंड, होता है पूरी तरह निःशुल्क। जिला महिला अस्पताल के प्रमुख अधीक्षक जय कुमार ने दी जानकारी। राजकीय बौद्ध संग्रहालय में किलकर्स द्वारा लगाया गया फोटो प्रदर्शनी। सदर सांसद रवि किशन ने फीता काट कर प्रदर्शनी का किया शुभारंभ। कहा, विश्व फोटोग्राफी दिवस तक चलती रहेगी प्रदर्शनी, सभी लोगों को आना चाहिए देखने। पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक चंद्रवीर रमण ने की पत्रकार वार्ता। कहा, 12 स्टेशनों पर एस्केलेटर और 11 स्टेशनों पर लगे लिफ्ट। गंडक नदी पर 854 मीटर लंबा बनाया जाएगा नया पुल। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने जनपद के मत्स्य विभाग के अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। कहा, विभाग की योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए समाज को, सरकार की है पहली प्राथमिकता। गैंग बनाकर चोरी लूट गबन व धोखाधड़ी करने वाले 4 अपराधियों के विरुद्ध गगहा थाने की पुलिस के द्वारा गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई कार्रवाई। एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने दी जानकारी। पुलिस अधीक्षक यातायात व संभागीय परिवहन अधिकारी गोरखपुर की अध्यक्षता में आयोजित की गई बैठक। ऑटो रिक्शा के यूनियन पदाधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। ऑटो रिक्शा पर यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जारी किए जाने का शुरू किया गया अभियान। रेलवे स्टेशन के गेट नंबर 5 से ऑटो पर नंबर अंकित कर अभियान का किया गया शुरू। नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी। नगर निगम के 12 कार्यकारिणी सदस्यों का चुनाव साकुशल संपन्न हुआ, जिसके संबंध में महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने बताया कि नगर निगम 12 कार्यकारिणी सदस्यों का चुनाव संपन्न हुआ है, जो कि निर्विरोध हुआ है, जिसमें पार्षद अजय राय, विश्वजीत त्रिपाठी, रणजय सिंह, धर्मदेव चौहान, विजेंद्र अग्रहरी, देवेंद्र कुमार गौड़ उर्फ पिंटू, जुबैर अहमद, अजय ओझा, मनोज कुमार निषाद, रविन्द्र सिंह, मनु जायसवाल, आनंद वर्धन निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं, जो कि गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि सभी कार्यकारिणी सदस्य अपने कार्यों को ईमानदारी से करेंगे, सभी ने तालमेल का एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है। समय दिया गया था जिसमें से 2 लोगों ने नाम वापसी किया, श्री विश्वजीत त्रिपाठी, श्री धनदेव चौहान, श्री विजेंद्र अग्रहरी, श्री देवेंद्र कुमार। आगे दिन सारे लोग ले लिए हैं, सही करके रख लेंगे। जिंदाबाद, जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद। जो निर्विरोध चुनाव निर्वाचित हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, सभी माननीय पार्षदगण को, सभी अधिकारियों को और जितने भी लोग इस कार्यक्रम में लगे हुए थे, मैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी से आग्रह है, जन मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। माला मंगाइए, जल्दी माला मंगाइए। इस संबंध में गौरव पुनी से बात करते हुए महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने कहा, 12 सदस्यों का निर्वाचन होना था, 12 सदस्य आज जो है निर्विरोध निर्वाचित किए गए, ये सबसे बड़ी खुशी की बात है और ये हमारे नगर निगम के लिए बहुत गौरव की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे? कहना क्या है, जब आप खुद स्वयं सोच सकते हैं कि जब एक निर्वाचन जो है निर्विरोध हुआ है, तो निश्चित तौर से आपसी तालमेल को ये दिखाता है और एक अच्छा संदेश हम पूरे समाज को देने जा रहे हैं कि हम सभी एक हैं और एक तरह से मिलके अच्छी तरह से कार्य करेंगे। धन्यवाद। अब आपके शहर गोरखपुर में खुल गया है आपके सफर को आराम और भरोसे लायक बनाने के लिए।
महिंद्रा का भव्य शोरूम जिसमें आपको महिंद्रा कार की पूरी रेंज, अब चाहे वो महिंद्रा स्कॉर्पियो, थार, बोलेरो, XUV 400, XUV 300, XUV 700 एवं महिंद्रा पिकअप व मैक्स पिकअप, इन सभी गाड़ियों के मॉडल एक ही छत के नीचे उपलब्ध हैं और साथ ही आपको मिलेगी महिंद्रा की सर्विसिंग और यहां पर महिंद्रा गाड़ियों के एसेसरीज भी उपलब्ध है। अब आप अपने सफर को आसान और भरोसे लायक बनाना चाहते हैं तो एक बार हमारे महिंद्रा के शोरूम में अवश्य आए। हमारा पता है DP ऑटो मेडिकल कॉलेज रोड, अपोजिट सिटी हॉस्पिटल, मुगलपुर चरगावा, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर पर्सनल व्हीकिल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117290। कमर्शियल व्हीकिल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117291। मंडलायुक्त अनिल ढिंगरा ने जनपद में चल रहे सड़क के कार्यों के संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान मंडलायुक्त अनिल ढिंगरा ने कहा कि सभी कार्यों को समय अवधि में पूरा कर लिया जाए क्योंकि बहुत से ऐसे कार्य हैं जो पूरा नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी कार्यों की स्वयं मॉनिटरिंग करें, यदि कार्य समय अवधि में पूरा नहीं हुआ तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर CDO संजय कुमार मीना, DFO विकास यादव सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। ये एक हफ्ते में हो जाएगा, सर फ्रीज तो 1.5 किलोमीटर नीचे आ रहा है तो वो स्क्रैप बना रहे रनिंग मारने में बाकी और कुछ नहीं है। बी प्लस 11 बिल्डिंग कर रही है, 2020 से करवा बिल्डिंग कर रही है, तभी हमको साधारण अभी सर दिसंबर तक हो जाए जिला महिला अस्पताल में एक दिन में 90 अल्ट्रासाउंड निःशुल्क होता है, जिसके संबंध में जिला महिला अस्पताल के प्रमुख अधीक्षक जय कुमार ने बताया कि जिला महिला अस्पताल में 3 जगहों पर अल्ट्रासाउंड होता है और शासन के निर्देश अनुसार हर डॉक्टर दिन में 30 अल्ट्रासाउंड करता है जो कि कुल 90 होता है। इसके अलावा कोई आता है तो उसका भी होता है जो कि पूरी तरह से फ्री होता है। इस संबंध में गोरखपुरी से बात करते हुए जिला महिला अस्पताल के प्रमुख अधीक्षक जय कुमार ने कहा, हमारे पास 3 जगह अल्ट्रासाउंड होता है और जो शासन का आदेश है उसमें 30 अल्ट्रासाउंड प्रति डॉक्टर करने का आदेश है। 90 की कैपेसिटी है, 90 लोगों का हो जाता है, उतना तो हो ही जाता है, बल्कि 2-4 लोग ज्यादा ही हो जाते हैं। अगले दिन उनको समय दिया जाता है? हाँ, अगले दिन तो उसको समय दिया ही जाएगा। सर फ्री होता है कि फ्री? अब आप अपने घर की खूबसूरती में 4 चांद लगाना चाहते हो तो अब वह चाहे आपका किचन हो, बाथरूम हो, हॉल हो, ड्राइंग रूम हो या आपका अपना ऑफिस, खूबसूरती का एक नाम कजारिया टाइल्स जरूर इस्तेमाल करें और अपने घर की रौनक को बढ़ाएं। अब आपके शहर में खुल गया है कजारिया टाइल्स का भव्य शोरूम, सिरेमिक वॉल और फ्लोर टाइल्स की शानदार रेंज, नवीनतम डिजाइन, सर्फेसेज और फिनिशेज। एक बार हमारे शोरूम पर अवश्य आएं और हमें सेवा करने का मौका दें। हमारे यहाँ हर प्रकार की टाइल्स उपलब्ध है। पता जगरवि एंटरप्राइजेस, 64 अखिलित भवन, महेवा बंधा रोड, ट्रांसपोर्ट नगर, गोरखपुर। खूबसूरती का एक ही नाम कजरिया टाइल्स। मोबाइल नंबर 8840602403, 8299370240। एक बार पता और सुन लें, जगरवि इंटरप्राइजेज, 64 अखिलित भवन, महेवा बंदा रोड, ट्रांसपोर्ट नगर, गोरखपुर। अपने घर की खूबसूरती के लिए एक बार अवश्य पधारें। राजकीय बौद्ध संग्रहालय में किलकर्स द्वारा फोटो प्रदर्शनी लगाया गया जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे सदर सांसद रवि किशन ने फीता काट कर प्रदर्शनी का शुभारम्भ किया। इस दौरान सदर सांसद रवि किशन ने बारीकी से फोटो प्रदर्शनी का निरीक्षण किया, जिसके संबंध में राजकीय बौद्ध संग्रहालय के उप निदेशक यशवंत सिंह ने बताया कि 2 दिन बाद विश्व फोटोग्राफी दिवस है, जिसको देखते हुए संग्रहालय में फोटो प्रदर्शनी लगाया गया है। इस फोटो प्रदर्शनी में पर्यावरण, प्राणी उद्यान,
फिल्म मंदिर की फोटो लगाया गया है जो कि सराहनीय है। इस अवसर पर सजनवा के विधायक प्रदीप शुक्ला, गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के अध्यक्ष मार्कंडे मणि त्रिपाठी, महामंत्री मनोज यादव, फोटोग्राफर संगम दुबे, प्रांजल साहू सहित अन्य लोग मौजूद रहे। भाई मोबाइल पीछे कर लो यार। आज महाराज भाई हमारा एक लंदन आए हुए तर्ज पर हम दिए थे वो एक्सेप्ट कर लिया। अध्यक्ष जी और आगे चलिए। हालांकि गोरखपुर में छायाकारों की बड़ी समृद्ध परंपरा रही है और बहुत अच्छे अच्छे छायाकार रहे हैं। एक जमाने में गोरखपुर में और इससे हटके भी हम लोग कुछ सोच सकते हैं, तो वहां से प्रेरणा मिली और हर समय हम लोगों को पूरी तरह से मानसिक रूप से हम लोग को तैयार करा। हम लोग भाग रहे थे कि हम लोग कैसे कर पाएंगे, हम लोग इतने व्यस्त रहते हैं खुली और ये कैसे इतना बड़ा काम कैसे हो पाएगा, तो बड़ा उनका संबल मिला और उसी का प्रतिफल आज है। हम लोग धीरे धीरे करते हैं, ये आठवां सीजन है, लगभग 10 साल से हम लोग कर रहे हैं, ये आठवां सीजन का है और लगातार हम लोग तराशते रहे करते रहे, हमको सामने बहुत कुछ बदल रहा है और बड़ी संख्या में यहाँ पर फोटोग्राफर साथी। एक जमाना था जब हम उनको फोटोग्राफर कहते थे, ये शब्द बाद में फोटो जर्नलिस्ट हुआ और आज की तारीख में हम उनको विजुअल स्टोरी टेलर कहते हैं, क्योंकि वो सचमुच विजुअल्स के जरिए ऐसी कथाएं रचते हैं जिनमें हम खो जाते हैं और सिर्फ खो नहीं जाते हैं बल्कि जिनकी ऐसी स्मृतियां अपने दिमाग में लेकर जाते हैं जो लंबे समय तक हम बहुत सारी चीजें भूलने लगते हैं। लेकिन सामने बैठे अपने लेखनी और कवि पत्रकारिता से समझौता न करने वाले इस समय मुख्यमंत्री की पीआरटी में सक्रिय श्री धर्मेंद्र सिंह जी, महेश्वर जी प्रेस क्लब के महामंत्री मनोज यादव जी, सत्येंद्र सिन्हा जी, मैं सभी आप सभी लोगों का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम की नींव पड़ी जब संगम जी समेत सुशील शाही, सुशील राय ये लोग बाहर से आए थे, उस समय मुझको लगता है कि हम लोग प्रेस क्लब में मैं महामंत्री या कोषाध्यक्ष था। यहाँ पहले से ही अभिनव चतुर्वेदी जी, संजय शर्मा जी, मुकेश पांडे जी, गुड्डू जी सारे लोग थे। मैं भी कुछ लोग जानते हैं कुछ लोग नहीं जानते हैं, पत्रकारिता की शुरुआत जब की मैंने तो मैं भी पहले फोटो जर्नलिस्ट था, बाद में फिर लिखना शुरू किया, फिर टीवी से जुड़ा। तो हम लोगों ने कोशिश की कि यहाँ शहर की जो चीजें हैं उसको दिखाने के लिए चित्र ही सबसे महत्वपूर्ण। गौरवपुन्नी से बात करते हुए राजकीय बौद्ध संग्रहालय के उप निदेशक यशवंत सिंह ने कहा, गोरखपुर में विश्व फोटोग्राफी दिवस के अवसर पर, क्योंकि विश्व फोटोग्राफी दिवस 2 दिन बाद 19 को है, लेकिन हमने इसको एक वीक के रूप में सेलिब्रेट करने का प्रयास किया है और जो गोरखपुर की क्लिकर्स नाम से जो संस्था है उसके साथ हम लोगों ने सम्मिलित प्रयास है ये, और इसमें जो गोरखपुर का विकास हुआ है उसके बदलते स्वरूप और साथ में जो पर्यावरण से संबंधित जू से संबंधित चित्रों को एकत्र किया गया है और उन चित्रों को यहाँ हम प्रदर्शित कर रहे हैं जिसमें पूरे गोरखपुर का साथ मिला है और इसमें जो फोटो जर्नलिस्ट हैं वो भी शामिल हैं, स्वेच्छा से फोटोग्राफी करने वाले हो जिनकी हॉबी है
वो व्यक्ति भी शामिल हैं और बहुत अच्छे फोटोग्राफ्स यहाँ बीच में आए हैं। ये प्रदर्शनी आज शुभारंभ होगी और इसके मुख्य अतिथि हमारे गोरखपुर के लोकप्रिय माननीय सांसद रवि किशन जी हैं और विशिष्ट अतिथि सहजनवा के विधायक महोदय हैं, माननीय विधायक महोदय, वो भी इसमें जुड़ेंगे। ये गोरखपुर संग्रहालय का प्रयास है कि हम इसको एक वीक के रूप में मनाएं और कल इसमें जो प्रतिभागी शामिल हैं उनके एक वर्कशॉप होगी और उनके पुरस्कार और प्रमाण पत्रों का वितरण। अब आपके शहर गोरखपुर में खुल गया है आपके सफर को आराम और भरोसे लायक बनाने के लिए महिंद्रा का भव्य शोरूम, जिसमें आपको महिंद्रा कार की पूरी रेंज, अब चाहे वो महिंद्रा स्कॉर्पियो, थार, बोलेरो, XUV 400, XUV 300, XUV 700 एवं महिंद्रा पिकअप व मैक्स पिकअप, इन सभी गाड़ियों के मॉडल एक ही छत के नीचे उपलब्ध हैं और साथ ही आपको मिलेगी महिंद्रा की सर्विसिंग और यहां पर महिंद्रा गाड़ियों के एसेसरीज भी उपलब्ध है। अब आप अपने सफर को आसान और भरोसे लायक बनाना चाहते हैं तो एक बार हमारे महिंद्रा के शोरूम में अवश्य आए। हमारा पता है DP ऑटो मेडिकल कॉलेज रोड, अपोजिट सिटी हॉस्पिटल, मुगलपुर चरगावा, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर पर्सनल व्हीकिल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117290। कमर्शियल व्हीकिल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117291। पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक चंद्रवीर रमन ने पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि पूर्वोत्तर रेलवे के 12 स्टेशनों पर 28 एस्केलेटर और 11 स्टेशनों पर 30 लिफ्ट लगाई गई है। ट्रेनों में हैंड हेल्ड टर्मिनल के माध्यम से बर्थ आवंटन और टिकट बनाने का कार्य किया जा रहा है। इस वर्ष 12 स्टेशनों पर फुटओवर ब्रिज का निर्माण और 16 स्टेशनों पर 20 प्लेटफॉर्म के उच्चीकरण का कार्य किया गया है। उन्होंने बताया कि पूर्वोत्तर रेलवे से 3 भारत गौरव ट्रेन का संचालन किया गया है। इस वित्त वर्ष माह जुलाई तक 25 विशेष गाड़ियां का संचालन 620 ट्रिप में किया गया है। पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक चंद्रवीर रमण ने बताया कि गोरखपुर वाल्मीकि नगर नरकटियागंज रेल परियोजना के लिए गंडक नदी पर 854 मीटर लंबा नया पुल बनाया जाएगा। इसके अलावा 16 बड़े और 38 छोटे पुल बनाए जाएंगे। पत्रकार वार्ता के दौरान मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारीगण मौजूद रहे। लोगों ने शॉर्ट नोटिस पे आने का कष्ट किया। आज यह प्रेस कॉन्फ्रेंस आज कैबिनेट कमेटी द्वारा लिए गए निर्णयों के जो रेलवे से संबंधित पॉइंट्स हैं उसके बारे में जानकारी देने के लिए आयोजित की गई है। इस संबंध में रेलवे का एक प्रोजेक्ट भी स्वीकृत किया गया है जिसके बारे में विस्तृत विवरण महाप्रबंधक पूर्वोत्तर रेलवे आदरणीय चंद्रवीर रमण जी आप सभी के समक्ष रखेंगे। मैं GM सर से अनुरोध करूंगा कि कृपया जो प्रोजेक्ट सैंक्शन। आज का दिन हम लोग के बहुत ही महत्वपूर्ण है। थोड़ी देर पहले हमारा एनी रेलवे का डिमांड था और इनफैक्ट एनी रेलवे का इस पूरे पूर्वांचल एरिया का एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड था। वो डिमांड जो हम लोग को आज जो है कैबिनेट की इसकी स्वीकृति मिल गई है। गोरखपुर कैंट और वाल्मीकि नगर खंड का जो करीब करीब 95 किलोमीटर है उनका करोड़ है और अभी जो इस गोरखपुर कैंट और वाल्मीकि नगर रेल लाइन जो है इसकी हम यूटिलाइजेशन जो है लाइन क्षमता 146% हम लोग ऑलरेडी यूज कर रहे हैं 146%। इसलिए इसकी जरूरत थी कि इसकी दोहरीकरण की बहुत ही जरूरत थी जो कि आज में स्वीकृति मिल गई है। इस परियोजना से जो लगभग है 32 लाख मानव दिवस का रोजगार का सृजन होगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट है। इसके कुछ और मैं महत्वपूर्ण चीज के बारे में बताऊंगा। इसमें जो है एक महत्वपूर्ण पुल का निर्माण होगा जो कि गंडक नदी पर होगा, 854 मीटर लंबा होगा। इसके अलावा 16 बड़े पुल होंगे और 38 छोटे पुल होंगे। इस खंड में जो है टोटल जो है 12 स्टेशन होंगे जिसमें से 10 स्टेशन जो है क्रॉसिंग स्टेशन जो बड़े हुए एक तरह से लीजिए बड़ा स्टेशन हुआ और 2 हॉल्ट स्टेशन छोटे स्टेशन। इसकी ये भी है कि ये गोरखपुर कैंट और वाल्मीकि खंड का जो है आप ये देखेंगे मैप पर तो देश के उत्तरी भाग जो उत्तर प्रदेश पंजाब आदि जो है उसको जोड़ता है। तो एक पश्चिमी ओर में जो है इस खंड पश्चिमी ओर जो गोरखपुर छावनी से पंजाब तक है वो ऑलरेडी दोहरी लाइन है और पूर्वी ओर जो है
वाल्मीकि नगर से मुजफ्फरपुर जो है उसका दोहरीकरण चल रहा है। ये जरूरी था कि बीच का एरिया भी जो है सरकार भी दोहरीकरण हो। इससे दोहरीकरण परियोजना जो है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, महाराजगंज एवं कुशीनगर तथा बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में इसका रीच रहेगा। ये जो डबलिंग है ये चार तीन उत्तर प्रदेश के जिला और एक बिहार के जिला को रहेगा। इससे जो है हमारा जो है ऑपरेशनल बेनिफिट होगा, क्योंकि अभी हमारा सिंगल लाइन है गोरखपुर कैंट से वाल्मीकि नगर भी सिंगल लाइन है। जब डबल हो जाएगा तो हमारे जो है जो कैपेसिटी बढ़ेगी और हमारे समय भी कम लगेगा, जो ऑपरेशनल टाइम है वो भी कम लगेगा। जो हमारे गुड्स ट्रेन आते हैं उसकी वैगन टर्न अराउंड हम लोग कहते हैं, जो वैगन कितनी जल्दी वापस आ गए लोडिंग के लिए, तो वैगन टर्न अराउंड भी कम हो जाएगा, जिसको कहते हैं कम होना मतलब इम्प्रूव हो गया। तो गाड़ी की संख्या भी बढ़ेगी और इसमें हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को की आवश्यकताओं को जो जाने आने की आवश्यकता है उसको भी हम मिल पाएंगे। इसके अलावा जो है इस एरिया में जो जितने लोकल प्रोडक्ट्स हैं, लोकल जो गुड्स हैं उसके भी ढुलाई में आसानी होगी, क्योंकि हमारे पास एडिशनल कैपेसिटी बन जाएगी, उसको हमको बुक लोगों को बुक करने में आसानी से सुविधा होगी। ये सब जो है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नए भारत के विजन के अनुरूप भारतीय रेल के व्यस्तम रेल मार्गों में इस रेलखंड का आधारभूत संरचना का विकास होने से ट्रेन ऑपरेशन में कनेक्शन कंजेशन में सुधार आएगा। ये बेसिकली जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सोच है कि जहाँ जहाँ भी कंजेशन है, जहाँ जहाँ भी लोकल डिमांड है उसको डेवलप किया जाए, उसी विजन के अंदर ये जो है स्वीकृति मिली है। टाइमिंग सर क्या लेंगे इसका, कितने टाइम में पूरा हो जाएगा? तीन, इसको लेके चलिए 3 साल में। एक्चुअली ये 3 फेज में करेंगे पर तीनों फेज चलो इस संबंध में गोरखपुरी संवाददाता से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक चंद्रवीर रमण ने कहा, बहुत खुशी की बात है कि आज हम लोग का एक पुराना डिमांड था और ये उस पूर्वांचल रीजन का भी एक डिमांड था कि गोरखपुर खेल का पर्यावरण के डबलिंग का प्रोजेक्ट की स्वीकृति मिले और आज ये स्वीकृति मिल गई। इस प्रोजेक्ट का जो है अप्रोक्सीमेटली 95 किलोमीटर है और 1,269 करोड़ रुपए की लागत इसमें है। इस प्रोजेक्ट के बनने से जो हमारे रेल में जो है यातायात में जो है परिचालन में सुविधा तो होगी ही, साथ साथ यहाँ जो है इस परियोजना से बहुत इकोनॉमिक बेनिफिट भी लोगों को मिलेगा। करीब करीब 32 लाख मैन डेज का जो जॉब क्रिएट होगा और इस एरिया में जो माल ढुलाई का है उसको भी बढ़ावा मिलेगा और लोगों के जाने आने की भी क्षमता जो है उसमें बढ़ेगी। और इसके अलावा जो है हमारा जो है ये प्रोजेक्ट जो है अगर आप देखेंगे तो इस प्रोजेक्ट के जो एक तरफ पश्चिम साइड में पूरा डबल किया हुआ है और पूर्व साइड में जो वाल्मीकि नगर उत्तर प्रदेश में डबलिंग चल रहा है, तो ये बीच का एरिया बचा हुआ था, अब इस स्वीकृति के बाद पूरा जो है एरिया जो है डबल लाइन से कवर हो जाएगा। ये कुछ इम्पोर्टेंट फीचर्स इसके हैं और इसके लिए जो है मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और रेल मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि ये प्रोजेक्ट हम लोगों के लिए स्वीकृत हो गया। इसमें बड़ा सेतु भी बनना है, इसमें एक जो है मैं एक बड़ा सेतु है जो गंडक नदी पर रहेगा, करीब करीब 850 मीटर लंबा है, 12 बड़े पुल है और 36 छोटे पुल है। अब आप अपने घर की खूबसूरती में चार चांद लगाना चाहते हो तो अब वह चाहे आपका किचन हो, बाथरूम हो, हॉल हो, ड्राइंग रूम हो
या आपका अपना ऑफिस। खूबसूरती का एक नाम कजारिया टाइल्स जरूर इस्तेमाल करें और अपने घर की रौनक को बढ़ाएं। अब आपके शहर में खुल गया है कजारिया टाइल्स का भव्य शोरूम। सिरेमिक वॉल और फ्लोर टाइल्स की शानदार रेंज, नवीनतम डिजाइन, सरफेसेस और फिनिशेस। एक बार हमारे शोरूम पर अवश्य आएं और हमें सेवा करने का मौका दें। हमारे यहाँ हर प्रकार की टाइल्स उपलब्ध है। पता जगरवि एंटरप्राइजेस, 64 अखिलित भवन, महेवा बंधा रोड, ट्रांसपोर्ट नगर, गोरखपुर। खूबसूरती का एक ही नाम कजरिया टाइल्स। मोबाइल नंबर 8840602403, 8299370240। एक बार पता और सुन लें, जगरवि इंटरप्राइजेज, 64 अखिलित भवन, महेवा बंदा रोड, ट्रांसपोर्ट नगर, गोरखपुर। अपने घर की खूबसूरती के लिए एक बार अवश्य पधारें। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व प्रदेश सरकार के मत्स्य विभाग के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने विभाग की योजनाओं के संबंधित अधिकारियों के साथ सर्किट हाउस में समीक्षा बैठक की। इस दौरान मंत्री संजय निषाद ने कहा कि योजनाओं का लाभ निषाद समाज तक पहुंचाया जाए। जो लोग अभी तक योजनाओं के बारे में नहीं जान रहे हैं, उन गांवों में कैंप लगाकर योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जाए, जिससे योजनाओं का लाभ लोगों को आसानी से मिल सके। उन्होंने कहा, शासन की प्राथमिकता है कि योजनाओं का लाभ हर गरीब तक पहुंचे, जिसके लिए सरकार कार्य कर रही है। इस अवसर पर CDO संजय कुमार मीना सहित मत्स्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में गैंग बनाकर चोरी, लूट, गबन व धोखाधड़ी करने वाले 4 अपराधियों के विरुद्ध गघा थाने की पुलिस के द्वारा गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए SP साउथ अरुण कुमार सिंह ने बताया कि गैंग बनाकर चोरी, लूट, गबन व धोखाधड़ी करने के अपराधों पर अंकुश लगाने के अनुक्रम में गैंग लीडर इरशाद पुत्र मुराद अली व गैंग के 3 अन्य सदस्यों सह अभियुक्तों तस्लीम उर्फ सलीम पुत्र जवान शेर, जुनेद पुत्र मुराद अली और हनीफ पुत्र मुराद अली के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। इनके द्वारा अपराध से अर्जित की हुई संपत्ति की जानकारी कर उसकी भी कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुरी संवाददाता से बात करते हुए SP साउथ अरुण कुमार सिंह ने कहा, गत दिनों थाना गगहा में जनपद बदायूं का एक गैंग पकड़ा गया था। ये गैंग 4-व्हीलर में कपड़े आज बेचने का काम करता है, फेरी लगाता है और इसी बीच रेकी करके ये नकबजनी भी कर लेता है और दूसरे अपराध भी कर लेता है, साथ ही साथ महिलाओं को अपनी ठगी का शिकार बना लेता है। इसी तरह की घटना गगहा क्षेत्र में उन्होंने एक महिला को ठगी का शिकार बनाया था, उसकी ज्वेलरी वगैरह ले लिया था। गगहा पुलिस ने तत्काल मुकदमा लिखा, CCTV कैमरों के माध्यम से छानबीन पड़ताल की गई तो ये गाड़ी पकड़ में आई और उस गाड़ी के आधार पर फिर पूरे गिरोह के 4 सदस्य इरशाद, तस्लीम, जुनैद और हनीफ ये पकड़े गए। महिला का माल बरामद हुआ। जब इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री देखी गई तो इन्होंने बदायूं, बाराबंकी, संत कबीर नगर, कानपुर देहात, गोरखपुर और यहाँ तक कि टोंक राजस्थान में भी अपराध कारित किए हैं। इनके आपराधिक इतिहास को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिलाधिकारी महोदय से अनुमोदन प्राप्त करके थानाध्यक्ष गगहा ने इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया है। इन अभियुक्तों में इनका गैंग लीडर के खिलाफ 9 मुकदमे, शेष सदस्यों के खिलाफ लगभग आधा आधा दर्जन सबके खिलाफ मुकदमे हैं। गैंगस्टर एक्ट की विवेचना से साक्ष्य आधार पर इनके विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया जाएगा, साथ ही साथ इनकी अपराध से अर्जित संपत्ति, वो चाहे कहीं भी हो या इनके गृह जनपद बदायूं में हो, उसको 14 गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कुर्क भी कराया जाए। पुलिस लाइन स्थित व्हाइट हाउस सभागार में पुलिस अधीक्षक यातायात और संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन गोरखपुर की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। इस दौरान ऑटो रिक्शा के यूनियन पदाधिकारियों के साथ यात्रियों और महिला यात्रियों की सुरक्षा के दृष्टिगत जनपद में पंजीकृत ऑटो रिक्शा के सत्यापन, वाहन स्वामी विवरण, चालक विवरण, ईंधन
विवरण व परमिट विवरण प्रारूप में अंकित करते हुए ऑटो पर नंबर अंकित कराने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किया गया। बैठक में मुख्य रूप से टीआई मनोज कुमार राय, टीआई धर्मेंद्र सिंह सहित टेम्पो एसोसिएशन के पदाधिकारी मौजूद रहे। हम यहाँ बैठे हैं जनपद गोरखपुर के ऑटो के संचालन के नियमन के लिए। हम सब जानते हैं कि किसी भी शहर की पहचान वहाँ की यातायात व्यवस्था से है और जनपद गोरखपुर की महानगरीय क्षेत्र की जो यातायात व्यवस्था है उसमें ऑटो रिक्शा की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। ऑटो रिक्शा के संचालन और सेफ सिटी की अवधारणा को मुख्य रूप देने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इस क्रम में कई पिछले दिनों 12 अगस्त को माननीय मंडलायुक्त महोदय और एडीजीपी साहब की अध्यक्षता में बैठक हुई थी जिसमें जनपद के तमाम उच्च अधिकारी थे, पुलिस के, प्रशासन के और अन्य विभाग के भी। उसमें निर्णय लिया गया कि ऑटो रिक्शा को एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाए। उस यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर में गाड़ी का पूरा ब्यौरा होगा कि सपोज कीजिए हमने किसी को आइडेंटिफिकेशन नंबर 11 दिया तो उस गाड़ी का पंजीयन नंबर क्या है, उसका चेसिस नंबर क्या है, इंजन नंबर क्या है, उसका मालिक कौन है, कहाँ का रहने वाला है, वो किस तरह की परमिट से आच्छादित है, किस तरह से संचालित है और उस गाड़ी को चलाने वाला चालक कौन है, उस चालक का परिचय क्या है, यह सारी चीज़ें उस डेटाबेस में हमें जमा करना है, हमें एकत्रित करना है। इसके लिए यूनियन के लोगों का सहयोग अपेक्षित है। आप अपने माध्यम से जो गाड़ियाँ भेजेंगे उस पर आइडेंटिफिकेशन नंबर यातायात पुलिस और परिवहन विभाग मिलकर अंकित करेगा और उसी से उसकी आगे चलकर पहचान होगी जिससे हमारे जनपद में जो भी संचालन हो वो सेफ संचालन हो और लीगल संचालन, सेफ ड्राइविंग हो और लीगल ड्राइविंग हो। उससे त्वरित जानकारी में किसी भी घटना के बारे में यदि कोई अनहोनी होती है उसके बारे में हमें जानकारी 24x7 हम इस बात से जानकार रहेंगे कि इस आइडेंटिफिकेशन नंबर का यह ऑटो है, इसका ये मालिक है, इसका ये चालक है। आप जैसे चालक हटाते हैं जब आप MBFS CMPR में जाएंगे तो उसमें ये है कि आपको एक लिखित रूप में घोषणा करना पड़ता है, ऑथराइजेशन लेटर देना पड़ता है कि हमारा ये चालक है, ये चलाएगा गाड़ी। तो वो एक घोषणा आपके तरफ से एक जो फॉर्मेट अभी आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है उसमें चालक का पूरा वो दे दीजिएगा। आपकी जानकारी तो जैसे ऑटो नंबर आप डालेंगे तो वो हमारी डेटाबेस में है, चालक की जो जानकारी है वो दे दीजिए। तो इसको हम लोग शुरू करा दें आज से। हमारे पेंटर भी आए हैं, हमारे कार्यालय से भी लोग आए हैं। आप सब ऑटो भेजिए पहले ग्राउंड में, हम लोग उसको आइडेंटिफिकेशन नंबर प्रदान करना शुरू करें। अभी तक इस संबंध में हम लोगों ने वार्तालाप की थी यूनियन के अधिकारियों की तरफ से, यह आया था कि इस तरह का अभियान पूर्व में भी चला है लेकिन वो कुछ दिन चलने के बाद। इस संबंध में गोरखपुरी संवाददाता से बात करते हुए संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन गोरखपुर संजय कुमार झा ने कहा, गोरखपुर महानगर में ऑटो के संचालन के को नियमित किए जाने के क्रम में एक सेफ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेट किया जा रहा है सेफ सिटी की योजना के अंतर्गत। इस क्रम में शासन के निर्देश के अनुपालन में जनपद स्तरीय और मंडल स्तरीय अधिकारियों के द्वारा विगत दिनों में समीक्षा करते हुए निर्देश दिया गया था कि जितने भी ऑटो महानगर में संचालित हैं उनका एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेट किया जाए जिसमें गाड़ी का पूरा विवरण, चालक का पूरा विवरण अंकित हो और यह आइडेंटिफिकेशन नंबर गाड़ी के आगे पीछे अंकित हो जिसे कोई भी यात्री उस गाड़ी का नंबर याद रख करके अगर उसके साथ कोई अनहोनी होता है तो सुरक्षा की दृष्टि से वह पुलिस को और अन्य अधिकारी को, अन्य विभागों को अवगत करा सके। इस क्रम में ऑटो यूनियन के तमाम पदाधिकारी उपस्थित थे। जिला के हमारे पुलिस यातायात विभाग के पुलिस अधीक्षक महोदय उपस्थित हैं और इस क्रम में यह निर्णय हुआ कि इसको तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए और 10 से 12 दिन के अंदर
इस कार्यक्रम को पूरा किया। पुलिस अधीक्षक यातायात व आरटीओ गोरखपुर के नेतृत्व में ऑटो रिक्शा पर यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जारी किए जाने का अभियान शुरू किया, जिसके तहत सभी ऑटो रिक्शा पर यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर लिखा गया और उस यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर में ऑटो के मालिक ड्राइवर का संपूर्ण बायोडाटा फीड किया जाएगा, जिससे कि उस यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर से हम किसी भी परिस्थिति में ऑटो के चालक मालिक की संपूर्ण जानकारी प्राप्त किया जा सके। रेलवे स्टेशन के गेट नंबर 5 से अभियान का शुभारंभ किया गया। अभियान में संभागीय परिवहन अधिकारी परिवर्तन गोरखपुर संजय कुमार झा, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी परिवर्तन द्वितीय दल नरेंद्र यादव, TI मनोज कुमार राय सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी गण के साथ ऑटो एसोसिएशन के पदाधिकारी मौजूद रहे। खड़ा जो हो रहा हो नहीं, चार पांच लोग रहेंगे, जल्दी जल्दी हो जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए SP साउथ ट्रैफिक श्याम देव बिंद ने कहा, गोरखपुर महानगर में सेफ सिटी परियोजना के अंतर्गत ऑटो रिक्शा पर यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जारी करने की एक योजना चलाई जा रही है, जिसकी शुरुआत आज से की गई है, जिसमें सभी ऑटो पर एक नंबर से शुरू करके जितने ऑटो हैं आगे उनको नंबर अलाट किया जा रहा है और उस आइडेंटिफिकेशन जो नंबर यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है उसके साथ उस ऑटो का पूरा डाटाबेस कि मालिक कौन है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, मालिक का एड्रेस क्या है, वो ऑटो का चालक कौन है और उसका एड्रेस क्या है, सारा डाटाबेस फिट किया जा रहा है, जिससे कभी हमें ज़रूरत पड़े तो उस यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर के द्वारा हम पूरी जानकारी उस ऑटो की ले सकें। तो इसकी शुरुआत आज से की गई, परिवहन विभाग और यातायात पुलिस विभाग द्वारा जो है शुरू की गई है, जिसके संबंध में हमने पहले ऑटो एसोसिएशन के जो मेंबर्स हैं, जो उनके पदाधिकारी हैं, उनके साथ मीटिंग की, उन्होंने भी इस पर जो है कि सहयोग करने की इच्छा जताई और आज साथ में मौजूद भी हैं सारे लोग और इसकी शुरुआत आज से कर दी।